ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब नहीं बचूंगी मैं बच्चू। अरे बाबा तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं बाबा मैं तो दो चार दिन बहुत बिजी हूँ। बच्चू तुमने मेरे साथ जीने की कसमें खाई थी। हाँ बाबा जीने की कसमें खाई थी, मरने की थोड़ी खाई थी। अरे बच्चू जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मर जाऊंगी मैं नहीं तो। अरे नहीं बाबा अगर तुम ट्रैफिक जाम में फंस गई तो अस्पताल नहीं पहुंच पाओगी। बच्चू भाई खैरियत तो है क्या वो? अरे बाबा वो बाबा सीमा की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा फिर मैं मस्जिद चला। अच्छा बाबा दुआ करानी? नहीं नहीं ऐलान कराना है, जो मैं रात को सुबह रख दूं। बकवास मत करो जानी, अभी मैं जिंदा हूँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सुबह सुबह इस टाइम पे कहाँ होगा डॉक्टर? बच्चे तुम पापा को फोन करो ना, उनके बहुत जानने वाले हैं, वो किसी ना किसी डॉक्टर को ले आएंगे। अरे बाबा मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो जाने के फोन से फोन कर लो। मेरी तो आउटगोइंग बंद है। बच्चे तुम जाओ जल्दी से बैलेंस डलवाओ। बैलेंस? अच्छा बाबा पैसे तो दे दो। बच्चू मैं मर रही हूँ, तुम पैसे मुझसे मांग रहे हो? अरे बाबा आखिरी मर्तबा दे दो, उसके बाद नहीं मांगूंगा। होंगी तो मांगोगे ना? बच्चू मैं मर रही हूँ दर्द से, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है तो बहुत हो यहाँ से। अच्छा बाबा जानी तुम कुछ करो ना। मैं एक काम करता हूँ, सेठ साहब को फोन करता हूँ। मैं करता हूँ। जाओ बाबा जाओ, जल्दी से पापा को बुलाओ। अच्छा सीमा बात सुनो, वो जो मैंने 50 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ रखे? बच्चू मैं मर रही हूँ, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है तो पहुंचो यहाँ से। अरे बाबा वो पैसे होंगे तो इलाज कराऊंगा ना। पापा को बुलाओ जल्दी से। पापा के हाथ ही ना लग जाए पैसे बाबा। अपना जरीना बात सुनना, एक काम है तुमसे। देख नहीं रहे हो मैं चैटिंग कर रही हूँ? सीमा मैडम की तबीयत सही नहीं है। ये तो भला इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा। ओ मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ? अब ये तो डॉक्टर आके बताएगा कि क्या हुआ। जरा एक मिनट फोन देना। किस लिए? सेठ साहब को फोन कर रहा है ताकि वो डॉक्टर साथ ले आए। अच्छा चलो ठीक है ये लो, लेकिन जल्दी बात करना, वो मैंने लोन लिया हुआ है। जी 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 सेठ साहब वो बुरी खबर है, सीमा मैडम की तबीयत बहुत खराब है, बस आते हुए ना एक डॉक्टर साथ लेते आइएगा। नहीं डॉक्टर नहीं, तो हकीम को ले आए, बस जरा जल्दी ले आए बस। ठीक है ओके 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 बाय बाय। ये लो। क्या हुआ? वो कह रहे हैं डॉक्टर खुद एडमिट है, किसी हकीम को ला रहे हैं। अरे बाबा फोन किया? हाँ मैंने फोन कर दिया, हकीम साहब को ला रहे हैं। अच्छा बाबा डॉक्टर का कहा था? अरे भाई डॉक्टर से ज्यादा सीनियर हकीम होता, वो ठीक से इलाज करेगा। अता बला हुआ क्या है भाजाई को? अरे बाबा वो पेट में बहुत दर्द है उसके। वो तो डरामे करती है वैसे तुम्हारी बेगम। अच्छा बाबा मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ, तुम बुलाओ दोबारा फोन करो बाबा जी को। एक तो हर एक को ना अपनी तरह मत समझा करें आप। जाने तुम, मैं देख रही तुम बोर्डम की बहुत साइड लेने लगे हो, वो चोरू का गुलाम और तुम मैडम की साइड, झूठे सारे ड्रामेबाज लोग इधर ही हैं। कौन था मेरे पास? बगू डाडू सुनू पी लगे। अरे यार कौन? आई 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 सेठ साहब आप आ गए? सेठ साहब हकीम साहब नहीं आए? सेठ साहब कुछ बोले तो? सेठ साहब कुछ तो बोले, मुंह पे जिप लगा ली क्या आपने? मुंह खोल के दिखाएं, जबान तो है तो बोल क्यों नहीं रहे? अरे सेठ साहब आप आ गए? नहीं अभी मैं रास्ते में, अभी आएगा, देख रही ना मैं आ गया। ये मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरा जवाब ही नहीं दे रहे मेरी बात का। मैं बड़ों को जवाब नहीं देता। ये छेड़ साहब मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। मैं नहीं मानता।
सही कह रहा है सेठ साहब जानी। मैं नहीं मानता जी। बहुत अच्छा है। नहीं मानता जी मैं। बहुत अच्छा है। नहीं मानता। भला बहुत गंदा है। चलो तुम बोलती है तो मान लेता जी। तो इससे पहले क्यों नहीं माना? बकवास बंद करने का, ये बताओ हकीम आया? हम सब तो भला हकीम का इतनी देर से इंतजार कर रहे, अभी तक नहीं आया। सीमा किधर है? वो अंदर है। तो मैं भी अंदर जाएगा ये। सीमा का बापे के अजीब डांसर लगता है। लग रहा है कुछ। आओ चलो। चलो भला। वाह 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 शहरयार भाई, वाह वाह, इतना अच्छा करते हो। ये पहले यही काम करते थे, छोड़ा क्यों? फिक्र नहीं करना, मैंने मालकम से कह दिया। जानी जानी। अरे बाबा जानी। इंशाल्लाह मैडम तेरे पैसे डबल कर देंगे। आ थोड़ा इधर पीछे। अरे बाबा जानी। जानी जी। बाबा ये क्या हो रहा है? वो मसाज के बड़े दिनों से कह रहा था मुझे, मैंने कहा कर लो। शर्म नहीं आती है? नौकरों के नौकर से काम कराता है तो उसमें क्या है, मैं कोई कपड़े थोड़ी दिलवा रहा हूँ। बाबा हड्डा आराम हो गया है तुम, जाओ बाबा जाके एक बार चिखाने में काम करो। उठो बाबा जाओ, काम करवा रहा उसे। चलो जाओ। बात करता है हड्डा आराम कहीं का। हाँ बाबा आप लगे रहो, बाबा इधर आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। बाबा मैं कहूंगी क्यों करा रहा था आपसे। वाह वाह बाबा जादू है आपके हाथ। बच्चों मेरी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है। अरे बाबा ज्यादा ही हो रही है ना, कम तो नहीं हो रही, कम होती है तो नुकसान होता है। तुम तो चुप करो बच्चों। अरे बाबा चुप तो तुम करो, चीख तो तुम रही हो ना। क्या हो गया मेरा बच्ची को? क्या हो गया सीमा, क्या हो गया तुमको? बहुत दर्द है बाबा। यहाँ क्यों लेटी है तुम? अरे बाबा योगा कर रही है। कैसी बातें करते हैं पापा जाने, तबीयत खराब है तभी तो लेटी है। हुआ क्या? जरूर तुमने कोई झगड़ा किया है, गड़बड़ की है। ये मेरी बात समझ में नहीं आती है, हर बाप को ये क्यों लगता है कि उसके मियाँ ने झगड़ा किया होगा? तुम बताओ सीमा बात क्या है जी? पापा मैंने मुर्गी खा ली थी। जिंदा? अरे बाबा ये क्या ड्रैकुला की बेटी है जो जिंदा मुर्गी खाएगी? व्हाट्सएप जी मेरे को ड्रैकुला बोला जी। नहीं 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 माफ कीजिएगा, आपको नहीं बोला है। पापा डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर तो नहीं बुलाया, एक हकीम बुला लिया, जबरदस्त हकीम है, एक ही खुराक में ठंडा पड़ जाएगा तुम। बाबा वो ऑपरेशन तो नहीं करेगा? हकीम ऑपरेशन नहीं करता जी, उसका तो खुद बाय और पास हुआ है ना। लेकिन पापा वो हकीम आएगा कब? अरे पापा जानी एक काम करें, आप उसे फोन करें ना बाहर जाकर। अच्छा मैं करता है, मैं करता है। करता 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 बाबा जल्दी। ओ बच्चू बहुत दर्द हो रहा है। आज हकीम नहीं आता, पापा जानी बड़े स्लो मोशन में चल रहे हैं। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ बाबा किससे मिलना है? खातून हमसे कोई भी मिल ले हम इस बात का बुरा नहीं मानते। अरे भला काम क्या है? काम कोई भी हो हम इस बात का बुरा नहीं मानते। सीधी तरीके से बताओ वरना मैं दरवाजा बंद करके अंदर जा रही हूँ। अरे हम पे कोई भी दरवाजा बंद हो जाए हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। जरीना कौन है? अरे बाबा खुद ही पूछ लो। खैरियत है? कौन हो? अरे हमारी खैरियत कोई पूछे या ना पूछे हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। समझा रही मैं? हमारी बात कोई समझे या ना समझे हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। भाई हम बुरा मान सकते हैं ये बता दूं मैं आपको। आप बेशक बुरा मान जाए हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। सीधी तरीके से बता दे वरना ऐसा धक्का दूंगी वहाँ जाके गिरेगा। आप बेशक हमें धक्का दे दें हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। भाई तू किस बात का बुरा मनाता है ये बता दे। भाई हशमत साहब कहाँ है, उन्होंने हमें बुलाया है। इस बात में मैं बुरा मना जाऊंगा? अरे भाई हम हकीम हैं, हशमत साहब ने हमें बुलाया है। अरे बाबा कब से हम लोग आप गिरा देख रहे थे, जल्दी से आप बेचारी सीमा की तबीयत बहुत खराब है। एक मिनट मैं तो अंदर जाऊँ भला, इतने अरे बाबा हिम्मत करो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बच्चू अब नहीं बचती मैं। अरे बाबा ये हकीम क्या बैठने के लिए आएगा? देखो भाजे को दर्द हो रहा है। हकीम साहब कुछ देखो ना मेरी बीवी को, क्या हुआ है बाबा? आप सब पीछे हट जाइए। क्यों भाई क्या आप पढ़ने वाले हो? क्या बदतमीजी है, अभी तो कह रहे थे कि मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अरे बाबा आप देखे बस भाई हुआ क्या है। मेरे पेट में बहुत दर्द है।
कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते। अरे बाबा, ये पेट में दर्द में से बुरा मानने का क्या ताल्लुक है? भला कोई बड़ा मसला है क्या कीम साहब? मसला कितने भी बड़ा हो जाए, हम बुरा नहीं मानते। ओ भाई, इलाज में तवज्जो दो। कल रात क्या खाया था? कुछ नहीं। सुबह क्या खाया था? कुछ भी नहीं। अरे घर में फाके चल रहे हैं क्या किमला? बता ना करे तुम्हारे मुँह में खाक। अरे हम समझ गए, हम जान गए क्या बीमारी है। हाँ क्या बाबा क्या? भाई इनके गुदगुदाने मैदा में गड़बड़ है, इन्हें भूख का दर्द है, इन्हें खाना खिलाइए। ये क्या बात हुई? अरे भाई कोई भी बात हो हम बुरा नहीं मानते। अरे बाबा, अच्छा बाबा जानी जाओ, खाने का इंतजाम करो बाबा, मैं सीमा को लेकर आता हूँ। जाओ बाबा जाओ, आओ आओ सीमा, बाबा आओ आओ, उठाओ जरीना उठाओ, आप रुके मैं आता हूँ आपको उठाने। आ जाओ बाबा, अरे बाबा आ जाओ बाबा, चलो। अरे बताइए, कुछ सुकून मिला आपको? पहले से बेटर है अब। बाजाई से ज्यादा तो आपको सुकून मिल रहा है हकीम साहब। मैडम कुछ और लेके आऊं? नहीं नहीं जानी, ये काफी है। अरे ले आइए ले आइए, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? बाबा बुरा मानने वाली बात तो है ना, मेरी बीवी से ज्यादा तो आप खा रहे हैं। आपके पेट में भी दर्द हो रहा है क्या? अरे हाँ भाई, 3 दिन का हमारे गुदगुदाने मैदा में दर्द था, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब लगता है कि आप अगले 3 दिन तक भी कुछ नहीं खाएंगे। हकीम साहब आ गया जी, लग रहा आ गया है। किधर से पाया? तो गली में तुमको ढूंढता था, तो किधर थे तुम? अरे भाई जो आपने हमें पता दिया था उस पर हम पहुंच गए थे। अच्छा सीमा, तबीयत कैसा तुम्हारा? अब बेहतर है पापा पहले से। हजमत साहब आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं मैं परहेज खाता जी। हम इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप भला क्यों बुरा मानेंगे, आपकी जेब से थोड़ी जा रहा है। जानी मेरे को चाय पिलाने का। हाँ मैं अभी लेके आया। और सारा खाना इसको ही दे दो हकीम को। अपना हकीम है ये, सीमा को हुआ क्या था जी? भाई इनके गुदगुदाने मैदा में गड़बड़ थी, हमने कहा भूख का दर्द खाइए। सिर्फ भूख का दर्द था बाबा, हम तुम पर सहान हो गए। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अनम कहते हैं, आप कौन? मुझे सनम कहते हैं जी। मेरा मतलब जानी। जानी ये नाम तो अक्सर नौकरों का होता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। लेकिन सीमा ने तो कहा था कि जानी उसके नौकर का नाम है। आप सीमा की दोस्त है? हाँ जी। फिर मैं नौकर ही हूँ। मैंने सुना है सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। ये किसने बताया आपको? वो शौकत भाई बता रहे थे। शौकत भाई, ये कहाँ मिले आपको? गली में बैठे थे, उन्होंने बता दिया। शौकत भाई आजकल गली में रहते हैं। अच्छा खैर चले, सीमा अंदर है, आइए अंदर। एक्सक्यूज मी, अंदर जाए मतलब लेकर चले। लेके चलो। चले अच्छा, चले चले चले। अरे वाह वाह हकीम साहब, बाबा वाह, मान गया मैं आपको, क्या मशवरा दिया है, मेरी बीवी सेट हो गई है। सेट हुई थी तभी तो शादी हुई थी। अरे बाबा मैं तबीयत की बात कर रहा हूँ। अल्लाह उफ उफ अल्लाह। अरे अब क्या हुआ बाबा? फिर से दर्द हो रहा है, ओह बहुत दर्द हो रहा है बच्चों। अरे सीमा क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आप कौन? मैं डॉक्टर अनम, सीमा की दोस्त। आप कौन है? हम आपके दोस्त, मतलब हम हशमत के दोस्त हैं, हकीम अब्दुल हकीम। जरूर आपने इसे कोई गलत दवाई दी है। अच्छा बाबा सब छोड़ो, आप इनको देख लो ना क्या हुआ है। सीमा एक बात बताओ मुझे, तुमने इस हकीम को क्यों बुलाया? मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? इन्हें पापा ने बुलाया है। आजकल हकीमों का दौर नहीं है, डॉक्टरों का टाइम है। और वैसे भी तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, पता नहीं है क्या तुम्हें? देखिए मोहतरमा, आप मुसलसल और मुस्तकिल हमारी बेइज्जती किए जा रही हैं। अगर हम बुरा मान गए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप तो बुरा मानते नहीं है बाबा। हम डॉक्टरों की बात का जरूर बुरा मानते हैं। ये कहाँ है हशमत, इसने हमें क्या दलील करने के लिए बुलाया है? अभी मैं देखता हूँ। बाहर होंगे। अरे तुम टेंशन नहीं लो, अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। एक एक काम करें, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, वो मंगवाएं। बाबा जल्दी लेके दो, मैं ले आता हूँ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भाई बहुत ही भूखा आदमी था, सीमा मैडम के बहाने खुद ही टोते जा रहा था और किसी बात का बुरा भी नहीं मान रहा था। कहाँ है ये अश्वत्थ? उसको भी खाओगे क्या?
अपनी बकवास बंद कीजिए वरना हमें ही बकवास करनी आती है। करते रहो, हम बुरा नहीं मानेंगे। देखिए हम आपकी बेइज्जती कर सकते हैं। कर ले, हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं हसमत से आपकी शिकायत करूंगा। कर लो, बुरा नहीं मानेंगे हम। देखिए ये बहुत बुरा होगा। होने दे, हम बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, लाए हमारी फीस दें। मांगते रहे, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम पुलिस में आपकी शिकायत कर देंगे। कर ले, हम बुरा नहीं मानेंगे। देखिए हम जा रहे हैं, हमें रोकिएगा मत। चले जाएं, हम बुरा नहीं मानेंगे। बोटो सांडू हकीम। पूरी डेंग खा जाता है तो। डेंग को भी तो देखो ना। बुलाया मरी किसी ने सेठ के सामने। अब आराम है? हाँ बस बस बेहतर है। ज्यादा मिर्चे खाने से हो जाता है। अरे भाई क्या हो गया सीमा मैडम को? बाहर बच्चू भी रहता, कह रहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चू खुद कहाँ है? वो तो दवा लेने गया था मेरे लिए। अरे भाई पैसे ले जाना भूल गया था, फिर मुझसे लेके गया। अच्छा वो शौकत भाई आपने मुझे बता दिया कि सीमा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो हकीम तो इसको ना गलत दवाई दे देता। अरे बाबा वो दवाई नहीं मिली, वो मेडिकल स्टोर बंद है। अरे तो ताला तोड़ देते, बीवी से ज्यादा है क्या? अरे क्या बात करते हैं शौकत भाई, पुलिस वाले भी खड़े थे। क्यों वो भी दवा लेने आए थे? अरे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरे बैग में साशे था, मैंने इसे दे दिया है। बल्कि एक काम करो, ये एक साशे और है, ये ले लो, ये भी पी लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। भाई बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि तबीयत सही हो गई, अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? अच्छा मेरे हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। थैंक यू। बाय बाबा। अरे बाबा बात सुनो, बीवी मेरी बीमार है, गम से तुम उन्हें ढाल हुआ जा रहा है। अरे भाई तुम तो बिना वजह शक कर रहे हो, ये होता खूबसूरत बीवी हो तो। अब तबीयत सही है ना? ज़्यादा ख़राब तो यही तब। अरे बाबा शौकत भाई बाहर चल। अरे 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 फिर बात। जानी जी जी चम चम के ले चम चम पूरी चिल्ला ओंडा ओंडा पूरी चिल्ला। किस बात का ऐसी चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हंस रहे जी है? हम लोग तो हकीम पे हंस रहे। बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते, वो हमारे दोस्त है ये। करे करे दोस्ती करे, हम कौन सा बुरा मना रहे हैं। अच्छा ये हंसना बंद कर देना, तो हकीम है किधर जी? अब वो बात चला गया, अब नहीं आएगा। यार उसके पास मेरा मोबाइल है, अगर वो मोबाइल लेके चला गया तो फिर तुम लोग हंसना जो रोने में बदल देगा जी। हकीम ओ हकीम हकीम। अरे अरे शौकत भाई, अरे भाई जाओ, जाओ, आप बाहर जाए। अरे क्या हो गया भाई? अरे बाबा बाहर जाओ। अरे भाई क्या क्या ये मेरा घर नहीं है क्या? अब किसने कहा भला? भाई तू भी लोग तो अक्सर कहते हो कि शौकत भाई इसको अपना ही घर समझे। अबे यार वो तो हम मिसालें देते। अच्छा मिसालें देते, कभी उधार तो देते नहीं। एक मिनट। हेलो हाँ हशमत साहब। हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे क्या हो गया भाई, तुझे गुस्से में? खैरियत? अरे बाबा ये पापा जानी का फोन आपके पास कैसे आया? अरे भाई मैंने उठा लिया। किसने कहा था? वो कहते ना कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते, उठा लिया मैंने। अब नहीं बचेगा तुम्हें, बता रहा हूँ। बस बिल्कुल नहीं बचने का, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है, अब तो बिल्कुल नहीं बचने का। नहीं बचेगा। ठीक है आदाब, मेरे को ना वो मॉडल बनना है। मॉडल? क्या 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 बनना तुम्हें? मॉडल। अरे बाबा पागल तो नहीं हो गई है? हमारे खानदान में कोई मॉडल शॉडल छोटर वोटर नहीं बनता है। और वैसे भी ज़रीना ये मॉडल बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप सुनती किसी की नहीं है, अब जो मैं कहूंगा ना वो आपने सुनना है। इसका मतलब तुम मेरा साथ दोगे ना? हाँ दूंगा तो, लेकिन एक शर्त है। क्या भला? वो ये कि घर में किसी को पता ना चले कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ मॉडल बनने में। तुझे नहीं पता क्या मेजदार लोग हैं? शर्म तो आपको आनी चाहिए। क्या मतलब है बाबा? शर्म की बात आप कर रहे हैं, जब आपको पता है कि यहाँ पर लेडीज एक्सरसाइज कर रही है तो आपको अंदर आने की जरूरत क्या थी? अरे बाबा क्या बात करते हो, ये बताओ मुझे कि वो जिन कौन है जिसके पास है तुमने उसको देखा है? जिम नहीं, जिम की बात करें जहाँ पे वर्जिश होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा।
अरे नहीं बाबा, ऐसा हो सकता है? उसको आजकल भूत चढ़ा हुआ है। जल्दी कर लो उस्ताद, और भी जगह जाने। मॉडल का है मॉडल? ये रही मॉडल, ये देखो। जाने ये आ सके रहा है। एक काम करते हैं कि घर में ना मुख्तलिफ इश्तिहारात की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा और उनको शक भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बलब इश्तिहार किस चीज का है? मॉडलिंग का भूत उतरा नहीं उतरा? जी अदा, उतर गया उतर गया। बाबा तो फिर उलिया भी ठीक करो ना। हाँ कर लूंगी कर लूंगी। अजानी खबरदार, अगर तुमने अब इसको कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।